नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चैनल के .com पे। तो दोस्तों, आज बात करने वाले गैप अप और गैप डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए। गैप अप और गैप डाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम गैप अप और गैप डाउन की सहायता से किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग यानी डे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और मीडियम टर्म ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल आज इस वीडियो में दोस्तों डे ट्रेडिंग इंट्राडे के बारे में मैं बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट टर्म के बारे में बताऊंगा कि गैप अप और गैप डाउन की सहायता से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छे से किस तरीके से कर सकते हैं। तो डे ट्रेडिंग की दोस्तों आज बात कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके थोड़ा सा लॉजिक को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बार जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर मेरी वीडियो के अंदर ही होता है, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया तो शायद इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल्स बनेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, गैप अप और गैप डाउन, जैसे नाम से पता लग रहा है, गैप अप एंड गैप डाउन। तो मान लेते हैं दोस्तों कि आपकी ये पिछली ये वाली कैंडल जो है पिछले एक दिन की कैंडल है, जिसका हाई और लो ये है, ठीक है। ये आपका पूरा एक दिन का कैंडल बना पिछले दिन का। अब गैप अप का मतलब क्या होता है? गैप अप का सिंपल सा मतलब ये होता है, गैप अप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगले दिन की जो कैंडल शुरू होगी वो इसके हाई से, हाई प्राइस से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट होगी, बिल्कुल इस तरीके से, जिसे बुलिश किकर और बेयरिश किकर भी कहा जाता है। तो गैप अप, देखिए यहाँ गैप अप आ गया, यहाँ इसके हाई के बीच में और इसकी ओपनिंग के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, तो चाहे कितना भी गैप हो लेकिन गैप होना चाहिए। और अगर बेयरिश सिनेरियो की बात करें तो वो इस तरीके से बनेगा, जो कैंडल्स बनेगी वो इस पूरे एक दिन का जो भी प्राइस एक्शन था इसके लो के थोड़ा सा नीचे जा कर के ये कैंडल बनेगी, इसके बीच में और इस कैंडल के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, ये जो इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है इस पर आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। मान लेते पिछले दिन का पूरे दिन का ये प्राइस एक्शन था, ये एक दिन का कैंडल है और ये आपकी जो कैंडल्स बन रही है 15 दिन की कैंडल्स बन रही है, 15 मिनट की सॉरी। तो 15 मिनट का ये जो कैंडल्स बन रहा है तो गैप अप में खुला, तो गैप अप में खुला, तब आपको वेट करना है किसी एक ब्रेकआउट का, किसी भी एक कैंडल ब्रेकआउट का। मान लेते ये 15 मिनट का कैंडल बना, या तो इसका हाई ब्रेक हो जाए तो लॉन्ग चले जाएंगे, या इसका लो ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट चले जाएंगे। लेकिन अगर इसका कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ और अगली कैंडल ऐसी बन गई, ठीक है, तो अब ये जो अगली कैंडल्स बन, ये सेकंड वाली कैंडल 15 मिनट की जो बनी है, या तो इसका हाई ब्रेक हो जाए तो लॉन्ग कर देना, या इसका शॉर्ट, या लो ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट कर देना। बहुत सिंपल है, स्टॉप लॉस अपोजिट साइड लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आपने शॉर्ट करा तो स्टॉप लॉस यहाँ लग जाएगा, यहाँ आपने लॉन्ग करा तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लग जाएगा। तो सिंपल एक ब्रेकआउट देखना है कि कौन सी 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, दैट्स इट। सेम आपको बेयरिश सिनेरियो में करना है, गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, सेम ही काम, सेम ही चीज़ करनी है आपको। पहली 15 मिनट की कैंडल बनी, या तो उसका हाई ब्रेक हो जाए, लो ब्रेक हो जाए, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ तो जो सेकेंड बनी, या उसका हाई ब्रेक हो जाए या उसका लो ब्रेक हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से आपको काम करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक बार चार्ट पे चलते हैं। बहुत कम आपको ट्रेड ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो भी ट्रेड्स मिलेंगे वो ट्रेंड जो होगा उनका वो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर है, 1:1 से कम रखना नहीं, और 1:2, 1:3, 4, 5 तक आप इसके अंदर रख सकते हैं। 5 से ऊपर रखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 15 मिनट का टाइम होता है और प्लस जो गैप अप वो गैप डाउन की जो कैंडल्स बनती है वो ज़्यादा वॉलेटाइल बनती है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड हो जाता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 5 लास्ट है, बाकी 1 से कम रखना नहीं आपको, और देखते हैं कि किस तरीके से सिनेरियो बनते हैं। बहुत कम ट्रेड्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड्स आपको मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो SBI का स्टॉक मैं वॉच कर रहा हूँ,
आप किसी भी स्टॉक पे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस पे मुझे कंटिन्यू ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है। तो SBI के स्टॉक पे दोस्तों 15 दिसंबर 2017, अभी पिछले एक महीने को छोड़ के दिसंबर मंथ का चार्ट है ये, तो इसमें मुझे ऐसा सिनेरियो दिखा, ये देखिए जो इस पूरे दिन का जो हाई बना, ये पूरे दिन का जो ये हाई बना, कैंडल जो स्टार्ट हुई है अगले दिन की वो ऊपर हुई है, गैप अप में स्टार्ट हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, तो इस 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखिए इस 15 मिनट कैंडल का कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ यहाँ पर, राइट। सेकंड कैंडल का भी कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, अभी तीसरी कैंडल है इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपने क्या करा, शॉर्ट करा इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, 5, 10, 15, 20 पैसे ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया, और टारगेट जैसे कि 1:2 की चलो मान लेते हैं कि 1:2 अगर हमें चाहिए तो ईजिली हमें 1:2 मिल गया। लो देखिए कहाँ बना है, 1:3 भी शायद आपको मिल जाता, थोड़ा सा ज़्यादा में मिल जाता 1:3 से, तो ये आपका प्रॉफिट आया। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ का बन रहा है, ये देखिए फिर अगले ही ट्रेडिंग डे यानी 18 तारीख को 16-17 का ऑफ होगा, तो फिर दोबारा यही सिनेरियो बना, इस पूरे का जो लो था लो से नीचे एक कैंडल ने ओपनिंग दी, यानी गैप डाउन में ओपनिंग दी, इन दोनों में के बीच में गैप है, तो ये जो गैप बना, सिनेरियो क्या कहता है कि जो 15 मिनट का कैंडल बन रहा है या तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए या लो ब्रेक होना चाहिए, तो पहले ही 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो गया और इस पूरी कैंडल के नीचे आपने थोड़ा सा लगा दिया स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, थोड़ा 10 रुपये का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन सिनेरियो के हिसाब से यही करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए टारगेट तो आपका हिट नहीं होगा अगर 1:2 लेकर चलेंगे, लेकिन टारगेट नहीं बन रहा तो 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में एग्जिट ही करना है, तो यहाँ के बीच में आपका एग्जिट हो जाएगा, इसके आसपास एग्जिट हो जाएगा, तो 8 रुपये का आपको अप्रोक्स यहाँ प्रॉफिट आएगा। 18 तारीख को आपको प्रॉफिट आया 8 रुपये का, बहुत बड़ा प्रॉफिट है 8 रुपये का, अगर 1000 स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं तो 8000 पे स्टेट में बनते हैं। फिर देखते हैं ये वाला देखिए गैप डाउन में नहीं है, ये और ये थोड़ा सा टच हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, चाहे 10 पैसे या 15 पैसे का ही क्यों ना हो, गैप अप और गैप डाउन में थोड़ा सा डिफरेंस होना ज़रूरी है। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है गैप अप एंड गैप डाउन, ये भी नहीं बना, ये वाला देखिए दोस्तों जो इस पूरे दिन का हाई था यानी 4 जनवरी 2018 का जो पूरा हाई था, तो 5 जनवरी 2018 को एक गैप अप में ओपनिंग हुई, ये देखिए ओपनिंग गैप अप में हुई, बहुत बखूबी है ओपनिंग हुई और यहाँ पर गैप भी है, तो सिनेरियो के हिसाब से 15 मिनट का कैंडल आपने देखा, इसका या तो लो ब्रेक होना चाहिए या हाई ब्रेक होना चाहिए, इसका लो ब्रेक हो गया, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगेगा और ये सीधा बहुत अच्छा नीचे गया है, देखिए कितना टारगेट मिलता है यहाँ पर आपको 1:3 के अप्रोक्स मिल जाएगा, 1:2 रखना चाहते तो वो रख सकते हैं, लेकिन मैं 1:2 पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो वो हमें मिल गया, वो अचीव हमें हो गया, तो अगर देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो अप्रोक्स आपको 2.5 से 3 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है गैप अप एंड गैप डाउन, ये वाला देखिए, नहीं दोस्तों टच है, थोड़ा सा टच है, तो ये हम नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी यहाँ प्रॉफिट हमें आ जाता। ये वाला देखिए, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, ये पूरे दिन मार्केट बहुत अच्छी ऊपर गई थी, और अगले दिन ये देखिए 18 जनवरी 2018 को एक जो कैंडल बनी है वो गैप अप में जाकर बनी है, तो सिनेरियो के हिसाब से ऐसी 15 मिनट की कैंडल देखनी जिसका हाई है लो ब्रेक हो रहा है, तो पहली का कोई हाई एंड लो ब्रेक नहीं हुआ, वे सेकंड आई, सेकंड का लो ब्रेक हो गया, तो यहाँ से आपको शॉर्ट करना है, इस कैंडल के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ से आपको 1:2 ईजिली मिल गया, 1:3 तक नीचे गया है वैसे, लेकिन 1:2 जो हम सोच के चल रहे हैं वो हमें मिल गया, तो सिर्फ एक सिनेरियो ऐसा था जहाँ हमें 1:1 मिला, क्योंकि 8 रुपये मिले थे, उसमें अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन बाकी सारे हमारे टारगेट से हिट हो गए। और देख लेते हैं कहीं बन रहा है क्या,
दोस्तों और कहीं नहीं दिखा हमें, तो यही था आज की वीडियो में। तो इसको एक बार वॉच करिए, अपने अलग अलग जितने चार्ट्स हैं आप उस पर चेकआउट करिए, जो भी स्टॉक्स पे आप काम करते हैं उस पर एक बार चेकआउट करिए। अगर किसी भी ऐसा कोई स्टॉक आपको मिलता है जिसमें वॉल्यूम अच्छा है और ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा कि सर ये स्टॉक है और इस पर काम नहीं कर रहा, एक बार चेकआउट करिए। मैं उस पर ज़रूर चेकआउट करूँगा कि क्या तकलीफ़ है, उससे मेरी रिसर्च भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 27,000 लोगों की कम्युनिटी है। अगर सारे एक एक स्टॉक पे भी अगर एनालाइज कर रहे हैं तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेला तो 5,000 स्टॉक्स एनालाइज नहीं कर सकता, हर किसी का कंफर्ट जोन अलग है। तो 27,000 सब्सक्राइबर्स के हिसाब से अगर आपने किसी एक एक स्टॉक पे भी रिसर्च करा, कोई ऐसा स्टॉक आपको मिला कि जिस पे काम नहीं कर रहा, वॉल्यूम अच्छा जा रहा है फिर भी नहीं कर रहा, तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा कि इस स्टॉक में ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, तो मैं एक बार ज़रूर रिसर्च करूँगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम रही है। तो यही है दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।